हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, कल का जो बाजार है वो काफ़ी दुविधा में है। और दुविधा में क्यों है, अगर आज आपने देखा होगा तो जैसी हम लोग की एनालिसिस थी आज के लिए, मार्केट बिल्कुल वैसे ही गिरा। क्लियर कट था कि दो लेवल मैंने दिए थे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, और फाइनेंस निफ्टी के लिए भी तीसरा लेवल था कि एग्जाम्पल के लिए बैंक निफ्टी का 45,520 वाला, निफ्टी का 90,420 वाला और फाइनेंस निफ्टी का 20,420 वाला। ये लेवल अगर क्रॉस नहीं होंगे तो हमें सेल करके चलना है, और आज जिसने सेल करके काम किया उसी को प्रॉफिट हुआ क्योंकि मार्केट मैक्सिमम टाइम नीचे रहा। बट आज दुविधा में इसलिए है क्योंकि डाउ जो है कल क्लोज था, डाउ में कारोबार नहीं हुआ था, आपने देखा होगा हॉलीडे थी, वहां के फ्यूचर्स बता रहे हैं कि गैप डाउन होगा, लेकिन उनकी क्लोजिंग किस साइड से होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बाजार को बेसिकली एक क्लू नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए डायरेक्शन जो है बिल्कुल अनक्लियर है। बट फिर भी हम एक लेवल को फॉलो करेंगे, कल एक्सपायरी है, लेवल के साथ चलेंगे तो हमें धोखा नहीं होना चाहिए और हम पहले से बायस नहीं होंगे। बैंक निफ्टी के लिए तो इतनी शॉर्ट ही है कि अपर लेवल इंटैक्ट हो रहा है और निफ्टी जो है अपर लेवल अभी ओपन मोड में चल रही है, यानी कि निफ्टी का जो ओपन लेवल है वो अभी ओपन है, वो ऊपर जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल एनालिसिस और जानते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम पे नहीं है, लाइव अपडेट के लिए जरूर जुड़ करिए, @NiftyYD है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे तो उम्मीद है कि आपको हेल्प हो रही होगी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस की, जो कि है 45,500, सपोर्ट है 44,465। लेवल्स में बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं हुए हैं बिकॉज मार्केट ने एक बहुत नैरो रेंज में जो है मूवमेंट किया है। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट स्मॉल लेवल पे ताकि हमें एक क्लियर कट जो है व्यू मिले। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने टूटा फूटा जो है एक पैटर्न बनाया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट शोल्डर एंड ये हेड एंड उसके बाद ये राइट शोल्डर बन चुका है। अब ये जो मैंने येलो लाइन जो तीन दिन से क्रॉस करके रखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख लीजिए मार्केट जो है किस तरीके से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब आपको समझने में ये देर नहीं होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग ये जो लेवल है 45,100 ये बहुत ही जो है VIP लेवल है। ये लेवल अगर गया तो समझिए कि मार्केट गया। अब इसकी जो कंफर्मेशन आएगी वो 45,000 के नीचे आएगी। आप यहां पे क्लोज होके गए हैं 45,197। तो अगर ये लेवल यहां से नीचे खिसकता है 45,000 वाला तो हम वहां पे सेल भी लेके चलेंगे, ये हमारे लिए होगा, हम बायस होकर कल के लिए नहीं चलेंगे। जो अपर लेवल है 45,320 ये बताएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर ये लेवल खुलते के साथ ही एक्टिव हो जाता है, 320 ब्रेक हो जाता है तो हम वहां पे जो है बाई के लिए देख सकते हैं। अभी देखिए अगर आप देखेंगे तो जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो 45,045 के नीचे है, और अगर ये पैटर्न फेल होना है तो 45,320 को ब्रेक करना है। ये आप स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पैटर्न मैंने लेवल को ड्रॉ कर दिया हुआ है। तो अगर ये 45,320 ब्रेक हो जाएगा तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, और अगर 45,045 टूट गया तो ये लेवल एक्टिव होगा, फिर हम वहां से सेल करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो एक नैरो रेंज में आ चुकी है, सो अपर लेवल पे सावधान रहना है। अगर 45,320 ब्रेक होता है तो आपको टारगेट बिल्कुल गिने चुने मिलेंगे, 45,500 पहला मिलेगा। एनी हाउ कैसे भी करके आप बुक कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट जो मूव आएगी वो 45,620 के ऊपर आएगी। 500 से 600 जर्नी नॉट क्लियर, हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है कि ना आए, लेकिन जो फ्रेश शॉर्ट कवरिंग बनेगी ड्यू टू एक्सपायरी वो 45,620 के ऊपर ही बनेगी। अगर बैंक निफ्टी 45,620 को प्रॉपर सस्टेन कर ले गई और अच्छे से होल्ड करने लगी तो हमें एक यहाँ से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। वॉइस वर्सा अगर 45,000 प्रॉपरली ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड में जो ब्रेकडाउन देख सकते हैं, और डाउन साइड के जो टारगेट होंगे वो 44,600 तक हो सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा 44,800 एंड सेकेंड जो टारगेट होगा 44,600 तक हो सकता है। यहाँ से भी 500 पॉइंट की जो दूरी है वो तय हो सकती है 44,500 वाली, बट इसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है। तो दोस्तों ये जो हमारा सेटअप था ये बैंक निफ्टी के लिए था। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के ऊपर और निफ्टी की जो एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे निफ्टी के रेजिस्टेंस की, जो है कि है 90,525, सपोर्ट है 90,155, 19,525 का रेजिस्टेंस है एंड 19,155 का सपोर्ट है। अभी निफ्टी देखिए तो निफ्टी सेम उसी लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर की तरफ जो है बिल्कुल चल रही है। आज फॉर ए मोमेंट उसने जो है इस लेवल को ब्रेक जरूर किया, बट ब्रेक करके दोबारा जो है इस लेवल के ऊपर आ चुकी है जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी, और बहुत ही वो इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि उस लेवल से सेल करने के बाद 50 पॉइंट के टारगेट तो आ ही गए हैं, जो कि निफ्टी के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट टारगेट भी हिट हो चुका है।
अब अगर ये फिर से ये लाइन ब्रेक करती है और ये जो ब्रेकिंग है दोहराती है जो कि है 90,385 के नीचे, अगर निकलता है 90,400 के नीचे तो क्लियर कट जो है एक यहाँ से सेल बनेगा, ठीक है, ये सेल बन जाएगा और उस समय हो सकता है कि हमें गिरावट एक वन साइडेड, एक अच्छी वाली, एक शानदार देखने को मिले। उसी तरीके एक सेटअप ऐसे भी है यहाँ पे कि इसने एक फॉलिंग चैनल जो है बनाया हुआ है और अगर यहाँ पे ये इस लेवल को होल्ड करके जो 365-375 है या यहीं से जो है निकल के और 90,420 का लेवल ब्रेक करने लगे तो पॉसिबल है कि एक हमें अब मूव जो है 90,455 से लेके 475 तक देखने को मिल सकता है एंड अगेन उसके बाद जो है 520 का एक रेजिस्टेंस वहाँ पे जो है अवेलेबल है। तो डाउनसाइड की जो जर्नी मिलेगी वो थोड़ी सी क्लियर कट रहेगी, टारगेट बड़े निकलेंगे, लेकिन अपसाइड की जो जर्नी रहेगी वो कैप रहेगी, मतलब उसमें कई जो है बॉर्डर आते रहेंगे, लोगों को बिलीव भी नहीं होगा कि मार्केट उस हिसाब से जा सकता है, बट वो भी जो है क्लियर कट मूव मिलती रहेगी, लेकिन टारगेट हमें छोटे लेके चलने पड़ेंगे। तो निफ्टी के लिए दो लेवल है 90,420 और नीचे का जो लेवल है 90,375, इन दोनों लेवल के एक्टिवेशन के बाद हम अपने वॉइस वर्सा जो है ट्रेड अपने ऑन कर सकते हैं। कल किसी ने कमेंट भी किया था कि मार्केट नहीं गिरेगा, मे भी उस बंदे को लग रहा था, बट ये जो मार्केट का जो आज का जो गिरावट था वो होना था, वो फॉर प्रॉफिट बुकिंग कहिए या यहाँ पे कंसोलिडेशन कहिए या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कहिए, जो अपनी लैंग्वेज में कहना हो कह सकते हैं, बट आज की जो फॉल है वो होनी थी और अपर लेवल धीरे धीरे कैप हो रहा है, सो आपको होशियारी बरतनी है। फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों, 20,415 का रेजिस्टेंस है, 90,995 का जो है सपोर्ट है, 19,995 का सपोर्ट है। फाइनेंस निफ्टी अब जो है वीक कड़ी हो रही है धीरे धीरे, पहले जो है बैंक निफ्टी उसके बाद फाइनेंस निफ्टी। देखिए कल हमने एक जो है डंडा मारा था इस पे भी और एक चीज क्लियर कट बताई थी कि हम लोग इसमें भी सेल कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। निफ्टी में हमने बाई के लिए ही व्यू रखा था, यानी कि हमें सेलिंग का जो कन्विक्शन मिलेगा बैंक निफ्टी से मिलेगा और अभी भी वही है और दोनों से मिला, फाइनेंस निफ्टी बैंक निफ्टी। अगर आपने 400 से सेल किया तो आपको 200 पॉइंट का जो है टारगेट आराम से मिला। यही लेवल था कि 20,420 अगर नहीं ब्रेक होगा तो हमारा जो व्यू होगा सेल का होगा। ध्यान से देखिए चार्ट पे वन साइडेड जो है गिरावट हुई है। अब यहाँ से एक लेवल है जो कि प्रॉपर जो है मार्केट निकालना चाहिए, अगर निकालता है तो बाई में आएंगे 20,320 तब बाई करेंगे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा पॉइंट के टारगेट नहीं मिलेंगे, 20,400 पे इसको फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अगर ये दोबारा पलट के यहाँ से 65 पॉइंट नीचे निकलता है और 20,185 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक्सएल बनेगा और उस समय फिर बहुत लोग एसएल जाएंगे, जैसे इनके एसएल जो है आज गए हुए हैं और उसके बाद मार्केट जो है शानदार गिरा है, उसी तरीके से यहाँ से भी कई एसएल कटेंगे और फिर वहाँ से जो पॉसिबल टारगेट है 20,050 का जो है पॉसिबल है, यहाँ तक एटलीस्ट टारगेट है, यानी कि 200 पॉइंट तक के जो है टारगेट बहुत इजीली जो है अचीव हो जाएंगे फाइनेंस निफ्टी में। फाइनेंस निफ्टी की जो है ये जो चार्ट जो सेटअप है वो कह रही है, फाइनेंस निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के जो चार्ट सेटअप हैं वो डाउन साइड के लिए हैं और निफ्टी का जो सेटअप है ऑफ साइड के लिए है। मैंने पहले ही जो है स्टार्टिंग करते ही बताया था निफ्टी में जो है अभी भी जो है ऊपर के जो गेट हैं वो खुले हैं और बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी का जो दरवाज़ा है ऊपर का वो बंद हो रहा है। सो लेट्स सी कि बंद होता है या बाद में खुल जाता है, बट अभी हम फिलहाल को बायस नहीं होंगे, हम फिलहाल जो है लेवल को फॉलो करेंगे, लेवल का जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड कंट्रीब्यूट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे, तो पहला जो स्टॉक है वो है एस्ट्रल। एस्ट्रल को हम लोग सेल करके चल सकते हैं 1862 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 1873 का। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को हम लोग बाई करके चल सकते हैं 1181 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 1173 का। 1181 के ऊपर बाई हो गया, 1173 के बैग में एसएल डालेंगे। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों कहना चाहेंगे अगर वीडियो से हेल्प हो रही है, वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम पर नहीं है जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।